ब्रेक बिना ब्रेक डाउनलोड टक ऐप। बिल को नवाजा जाएगा, आवश्यकता पड़ी अगर केंद्र हमारी सरकार बनी प्रदेश में तो उनको पेंशन भी दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने संविधान बचाने का काम किया है, लोकतंत्र को बचाने के लिए आंदोलन किया। तो सुना आपने, जहां एक ओर योगी सरकार प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने में जुटी है, वहीं समाजवादी पार्टी के नेता उन्हें पेंशन देने की बात कर रहे हैं। यह है उत्तर प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोविंद चौधरी, जिन्होंने सीएए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को पेंशन देने का वादा किया है। उन्होंने कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम का विरोध करने वाले लोगों को समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो पेंशन देने का काम करेगी। राम गोविंद चौधरी ने वादा किया है कि प्रदर्शनकारियों को संविधान रक्षक का दर्जा दिया जाएगा। इसके साथ ही सपा नेता ने दावा किया है कि प्रदर्शन के दौरान जिन लोगों की मौत हुई है और जिन्हें जेल में भेजा गया है उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जैसे ही अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे वैसे ही नागरिकता कानून एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर दर्ज सभी केस वापस लिए जाएंगे। समाजवादी पार्टी किसी की नागरिकता पर सवाल खड़े नहीं करती है। इस दौरान जब उनसे बांग्लादेशियों के बाहर निकाले जाने की बात की गई तो उन्होंने कहा कि बांग्लादेशियों को बाहर किसी भी तरह से नहीं निकाला जाना चाहिए। कत्ता ही नहीं, जो हमारे शरण में आ गया वो हमारे शरण में है, हम शरण की रक्षा करने वाले लोग हैं और इसलिए तो हमारा विरोध हो रहा है ना। अब पूरे देश के लोग अब हम कह रहे हैं कि अलीगढ़ जामिया और इस एक दो लोगों की यूनिवर्सिटी को छोड़ दीजिए, तो पूरे देश के विश्वविद्यालय आंदोलन में हैं और देश के जामिया के छात्र छात्राओं के समर्थन में दुनिया के 8-10 विश्वविद्यालय आगे सड़क पर, का सब मुसलमान हैं, 99% हिंदू हैं। मुसलमान बहुमत में पढ़ता है अलीगढ़, नदवा में और जामिया में, वहाँ भी हिंदू हैं तीनों में। तो ये कहना गलत है कि संविधान की रक्षा के लिए देश याद खड़ा है, लोकतंत्र की रक्षा के लिए देश खड़ा है। इसके साथ ही जब प्रदेश में हो रहे पीएफआई के बैन पर बात की गई तो सुनिए उनका क्या कहना था। कि हम जाने की कौन किया है, लेकिन हमको ये जरूर विश्वास है कि जैसे जामिया मिलिया हमें आरएसएस और भाजपा के लोग लाठी चला रहे थे जींस और 5000 का जूता पहन करके, उत्तर प्रदेश में भी हिंसा फैलाने का काम सरकार के इशारे पर पुलिस आरएसएस और भाजपा के लोगों ने ही किया। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, कि हिंसक घटनाओं का जांच हाई कोर्ट के वर्तमान जज से कराई जाए। बहरहाल राम गोविंद चौधरी ने कहा कि जब तक सरकार नागरिकता कानून पर लिया गया फैसला वापस नहीं ले लेती तब तक ये सत्याग्रह जारी रहेगा। उन्होंने अर्थव्यवस्था और निजीकरण पर प्रहार करते हुए कहा कि हर पब्लिक सेक्टर यूनिट का निजीकरण किया जा रहा है, बैंकों से पैसे लिए जा रहे हैं, यहाँ तक कि आरबीआई से भी। उन्होंने कहा कि जो भी राजनीतिक पार्टियां इन सब पर सवाल खड़े करती है उन्हें पाकिस्तान जाने को कह दिया जाता है। गौरतलब है कि मुलायम सिंह यादव सरकार ने उन लोगों को पेंशन देने का ऐलान किया था जिन्हें इमरजेंसी के दौरान जेल हुई थी। देवरिया से राम प्रताप की रिपोर्ट, यूपी तक।